नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुगली स्टार निरहुआ की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म के बारे में। दोस्तों, ये हमारी उस वीडियो का पार्ट टू है। अगर आपने इस वीडियो के पार्ट वन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो जुगली स्टार निरहुआ की जो पहली फ्लॉप फिल्म है, उस फिल्म का नाम है रिक्शा वाला आई लव यू, और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1 फरवरी 2013 को। फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे जुगली स्टार निरहुआ, पाखी हेंगरे, अनूप अरोरा, संजय पांडे, किरण यादव और अवधेश मिश्रा जैसे दिग्गज कलाकार। फिल्म को डायरेक्ट किया था अजय श्रीवास्तव ने। फिल्म काफी शानदार थी और एक्शन रोमांस ड्रामा से भरपूर थी। इस फिल्म की खास बात ये थी कि इस फिल्म में जुगली स्टार निरहुआ का नाम निरहुआ रहता है और वो रिक्शा चलाते हैं, और इस फिल्म में निरहुआ रिक्शा वाला की हीरोइन पाखी हेंगरे जुबली स्टार निरहुआ के अपोजिट नजर आई थी। और उस समय जुबली स्टार निरहुआ और पाखी हेंगरे की जोड़ी भोजपुरी की सबसे बेस्ट जोड़ी में गिनी जाती थी, और इन दोनों की जितनी फिल्में रिलीज होती थी सारी की सारी फिल्में सुपरहिट होती थी। लेकिन ये फिल्म दर्शकों के उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म के फ्लॉप होने का कारण ये था कि 2012 और 13 का साल भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काफी खराब साल माना जाता है, क्योंकि इस साल काफी बड़ी बड़ी फिल्में और बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्में भी फ्लॉप हो रही थी, इसलिए ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इस लिस्ट की जो दूसरी फिल्म है, उस फिल्म का नाम है इज्जत, और इज्जत इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे जुबली स्टार निरहुआ और मोना लिसा। फिल्म रिलीज हुई थी 2013 में। वैसे ये एक बॉलीवुड फिल्म की रीमेक थी और इस फिल्म की स्टोरी और डायरेक्शन उतना शानदार नहीं था, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इस लिस्ट की जो तीसरी फिल्म है, उस फिल्म का नाम है सैयाजी दगाबाज, और इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2019 में, और इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे जुबली स्टार निरहुआ और अंजना सिंह। फिल्म में सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे मनोज सिंह टाइगर। दोस्तों, इस फिल्म से पहले जुबली स्टार निरहुआ और अंजना सिंह की जोड़ी फिल्म जिगर में देखने को मिली थी, जो कि 2017 की एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। लेकिन सैयाजी दगाबाज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। दोस्तों, ये फिल्म 2019 में जुबली स्टार निरहुआ की रिलीज होने वाली तीसरी फिल्म थी। इससे पहले इनकी निरहुआ चल लंदन और शेरे हिंदुस्तान दो फिल्में रिलीज हुई थी और दोनों की दोनों फिल्में सुपरहिट रही थी, लेकिन सैयाजी दगाबाज बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इस फिल्म के फ्लॉप होने का कारण ये था कि इससे पहले निरहुआ चल लंदन जो रिलीज हुई थी, उस फिल्म को लगभग 200 थिएटर के साथ रिलीज किया गया था, और उसके बाद शेरे हिंदुस्तान रिलीज हुई थी, उस फिल्म को लगभग 185 थिएटर के साथ रिलीज किया गया था, जबकि सैयाजी दगाबाज उस समय लगभग 50 थिएटर के साथ रिलीज हुई थी, और इस फिल्म का क्रेज भी उतना ज्यादा नहीं था। फिल्म के ट्रेलर को भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, इसलिए ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। तो दोस्तों, ये थी जुगली स्टार निरहुआ की तीन सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्में। आपने इन तीन फिल्मों में से कौन सी फिल्में देखी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी रेगुलर पाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।